किसको हाय हेलो किसको बोलना है किसी को किसी को भी नहीं सर किसी को नहीं सब जगह अपने आप चला जाएगा सर ऑलराइट ओके रोहित यार एक काम करो जस्ट कैन यू मेक अ वीडियो सर ओके या देखिए ओके सबसे पहले तो सर बहुत बहुत मुबारक आपके न्यू प्रोजेक्ट के लिए और हम जानना चाहेंगे कि आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही मतलब बज बन रहा है कि बहुत ही अच्छा होने वाला आपका कैरेक्टर तो थोड़ा आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वेलकमिंग मी बैक और मेरा कैरेक्टर का नाम है विवेक और विवेक एक कॉर्पोरेट गाय है यार एंड लाइक मैं ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं बता पाऊँगा बिकॉज यू हैव टू वॉच द शो बेसिकली डिटेल्स जानने के लिए बट इज़ अ कॉर्पोरेट गाय एंड इट्स अ स्टोरी बेसिकली अबाउट अ गाय एंड टू गर्ल्स तो उनका रिलेशनशिप कैसे द डायनामिक्स ऑफ द रिलेशनशिप कैसे है सो यार इट्स फन यार एंड बता नहीं पाऊँगा कुछ भी ओके आपकी कोस्टार रश्मि देसाई है तो कैसा वर्क एक्सपीरियंस रहा और कैसा पहले जानते हैं उन्हें या पहली बार आप सेट पे मिले नहीं एक्चुअली आई नो हर बिकॉज मैंने जो पहला शो किया था अपना बालिका वधू सो शी वाज डूइंग उत्तरण एट दैट टाइम सो वी हैव मेट वंस बट उसके बाद मैं कभी मिला नहीं उनसे सो आफ्टर दैट आई जस्ट मेट हर ऑन द सेट टुडे एंड शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस शी इज सो ब्यूटीफुल शी इज लाइक अ डॉल हियर आई जस्ट गिव हर अ कॉम्प्लीमेंट आल्सो एंड इट्स फन वर्किंग विद हर और एबिगेल के साथ अभी मैंने शूट नहीं किया सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शूट विद हर आल्सो देखते हैं कैसा है आगे ओके सर एज एन एक्टर जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आपके लिए मेन क्या होता है स्क्रिप्ट या कैरेक्टर there are a lot of things it's not about it's not only about the character and the script it's about the director also about the production also there are too many things involved but two most important things basically is the story and the character basically yeah and how you know if you don't have a good director so you don't know how the character is going to portray the character acha bhi hoga to pata nahi chalta so I was really looking forward to work with Anil V. Kumar like I've worked with him in Balaji तो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड दैट्स वाई केम फ्रॉम धर्मशाला यार मुझे अभी कुछ ऐसा था नहीं बिकॉज अभी अपना घर बना रहा था धर्मशाला में बट जस्ट फॉर दिस रीजन आई फ्लू टू मुंबई करने के लिए या सो ओके यात्री या यात्री की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक वुमेन सेंट्रिक शो है और अब के बाद मतलब ज्यादातर देखा जाए तो ओटीटी पे वुमेन सेंट्रिक मूवीज और या शोज ज्यादा बन रहे हैं सो डू यू थिंक क्या मेन सेंट्रिक पे भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए वुमेन बोथ पर तब होना चाहिए More power to women. ठीक है इट्स सी इट डजेंट मैटर यार द कंटेंट हैज़ टू बी गुड एंड अगर लड़कियों के लिए बन रहा है टीवी में तो ऑब्वियसली वुमेन रूल एवरीबडी नोज दैट एंड वुमेन आर रूलिंग द वर्ल्ड एनीवे एंड आई गेस अच्छा है यार जब जो भी कंटेंट बन रहा है बट ऐसा नहीं है कि ओनली वुमेन ओरिएंटेड कंटेंट बन रहा है बिकॉज जस्ट राइट नाउ मूवी केम शेरशाह राइट सो इट्स अबाउट कैप्टन विक्रम बत्रा सो इट्स नाइस यू नो वुमेन आर गेटिंग दैट जो लड़कियों को नहीं मिलता था टीवी में तो मिलता था बट वेब पे या मूवीज में नहीं मिलता था सो एटलीस्ट यू नो दे कमिंग फॉरवर्ड और उनके वुमेन सेंट्रिक शोज बन रहे हैं मूवीज बन रहे हैं एंड मोर पावर टू देम यार ओके स्टोरी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये रेड लाइट एरिया के इर्द गिर्द घूमता है एज एन एक्टर क्या आप बोल्ड सीन करने के लिए अनकंफर्टेबल फील करते हैं या इट्स डिपेंड अपॉन द स्क्रिप्ट या कंफर्टेबल फील हो जाता है इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टर एंड योर कोस्टार तो आप कितना कंफर्टेबल हो कितना कंफर्टेबल आपको बनाया जाता है सेट में सराउंडिंग कैसे है द टीम यू वर्किंग विद द डीओपी और जो आसपास के लोग हैं अब अगर वो सब यूनिट आपकी अच्छी है तो इट्स वेरी गुड टू शूट यू नो इट्स वेरी अच्छा लगता है सब सीन शूट करते हुए थोड़े बोल्ड सीन्स तो यू डोंट गेट अनकम्फर्टेबल सो मोस्टली इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट सर कैसे शूट कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइटिंग कैसी है तो सर तो कब से शूट कर रहे हैं सो यार मजा आता है ये सब करके फिर ओके सर कलर्स से आप बहुत साल से जुड़े हुए थे बहुत सारे काम भी किए हैं और अगर कलर्स की बात करें तो ओटीटी पे जो बिग बॉस चल रहा है उसको कितना फॉलो कर रहे हैं आई एम नॉट फॉलोइंग इट I'm really sorry because I don't have time. I was too busy abhi thoda time pehle. And then, like I told you, ki abhi main kal hi aaya hu raat ko and I'm shooting today. So, and OTT pe mostly mere ko baithna and it comes a whole day I guess, na pura din aata hai. Live. Big Boss, haan to yaar nahi, I haven't seen even a single episode uska. But I'm looking forward, dekhunga abhi once it starts coming on the TV. So I might catch a few episodes. Okay. Last is any message for your fans? Keep rocking, keep spreading love, और देखिएगा जरूर रात्रि के यात्री. It's gonna be fun and it's gonna be very nice. Thank you, it's a pleasure talking to you. Same here. Okay. No, अंधेरी में कुछ है. नीचे करना. और नीचे करना. और नीचे. Right? Ah, I like that. बोल. बस अच्छे में कुछ हो रहा है. पहले आप हमें बताइए अंधेरी में ऐसा क्या हो रहा है?
अरे चलो पहले तो मेरे लाइन करनी है, अंधेरी में क्या हो रहा है, जाना तो मेरा। ओके रोल बाइट के बाद ना इसके साथ साइड में बैठ के इसको सारी बता देना, सारी गॉसिप देना। पक्का। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों को कि वेब सीरीज बहुत ही अच्छी, पहले से हम सुन रहे हैं, पर आपके कैरेक्टर के बारे में पहले थोड़ा थोड़ा जानना चाहेंगे। स्टार्टिंग में अभी बेसिकली पायल नाम की लड़की है जो हाउसवाइफ है एंड बहुत ही सीधी साधी लड़की है एंड एवरीथिंग, और इसकी लाइफ में कैसे एक अनयूजुअल सिचुएशन आता है और एक अनयूजुअल पर्सन से उसको एक अनयूजुअल एडवाइस मिलती है एंड फिर आगे आपको देखना पड़ेगा। मैं एक ऐसा प्यार हूँ जो सबके सामने आ जाए तो शर्मिंदा हो जाए, अरे अरे अरे, बट इट्स द ब्यूटी दैट शी होल्ड्स एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रोल दैट आई एम प्लेइंग। हर नेम इज़ रूबी एंड बहुत ग्लैमरस है, तो मुझे ये ग्लैमरस के अलावा मुझे किरदार बहुत अच्छा लगा था, वेरी डिफरेंट दैट एंड द स्टोरी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। इसकी इसका फर्स्ट सीजन आया था हंगामा पर, रात्रि की यात्री, जो बहुत बहुत लोगों ने पसंद किया था एंड शॉर्ट फिल्म्स होती हैं एंड इट्स नॉट मच टाइम टेकिंग, लॉट्स ऑफ गुड, लॉट ऑफ गुड रिस्पॉन्स दे हैव फॉर दीज डेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो विद टाइम वर्किंग फ्रॉम होम इवन वाइल ड्यूरिंग वर्क यू ऑल कैन सी इट एंड फिजिट, सो आई थिंक दिस द बेस्ट सब्जेक्ट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, पीपल विल लाइक इट। डेफिनेटली सो आई एम प्लेइंग विवेक, he's a corporate guy, he's married to Abigail and he has a dark side aur thoda sa uska kuch hai matlab, so that's how it the story goes and uska Rashmi ke sath connection rehta hai, so uske aage no details that you'll have to watch but it's a beautiful story, bahut women centric hai and jaisa aajkal ho raha hai aise content you know ban raha hai, like mostly women centric ban rahi hai cheez hai, so it's something like that and more power to women and more power to you and to Rashmi, thank you, and it's a great concept aur in dono ki performance bahut hi amazing hai, I guess Rashmi was looking pretty, yeah thank you, Rashmi is looking pretty, aapke sath maine kaam hi nahi kiya yaar abhi, I haven't done anything with you, ek shot bhi nahi kiya maine, ek shot bhi nahi kiya aapke sath, okay but I'm looking forward to work with you। ओके जब भी हम स्क्रिप्ट की बात करें या जो भी आप प्रोजेक्ट चुनते हैं, सो स्क्रिप्ट मायने ज़्यादा रखता है या कैरेक्टर? ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट, बिकॉज चाहे किरदार कैसा भी हो, स्क्रिप्ट में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप हर फ्रेम में खड़े रह के क्या करोगे, द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक अगर 10 सीन में से भी 2 सीन हुए बट दैट इंपॉर्टेंट रोल इज देयर, जस्ट व्हेन आई थिंक सो इफ आई गिव द राइट एग्जांपल ऑफ सुबीन चावला इन एंड ऑडियंस का प्यार इम्पॉर्टेंट, कभी कभी हमारी ऑडियंस भी इन होती है, बट आजकल आई थिंक पीपल हैव ऑलवेज लव्ड मी द रोल दैट आई हैव प्लेड एंड द सब्जेक्ट आई हैव चोजन एंड आई एम श्योर दिस ऑल्सो दे विल लाइक इट, बिकॉज इट्स डेफिनेटली इंडीड इट्स अ वेरी डार्क सब्जेक्ट, बट ये एक होता है ना हर एक की जिंदगी में एक ऐसा अंधकार होता है जो आप कभी नहीं चाहते हो कि किसी के सामने आए, पर वो ऑटोमेटिकली आता है एंड इट हैपेंस विद एवरीवन, सो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक दैट। ओके जैसे कि सर ने भी बात किया कि वुमेन सेंट्रिक का शो है, ये वेब सीरीज़ है और आजकल ज़्यादातर सब वुमेन सेंट्रिक ही बन रहे हैं, सो आर यू हैप्पी क्योंकि बिकॉज नाउडेज मोर आर टर्निंग टूवर्ड्स वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स। आई थिंक दैट्स हिज वे ऑफ लुकिंग एट इट एंड आई एम रियली ग्लैड इफ यू थिंकिंग दैट वे, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है इसमें तीन किरदार है, विवेक, रूबी एंड पायल, एंड एवरी पर्सन हैज इट्स ओन स्टोरी, अगर ये हम लोग के साथ नहीं भी है फिर भी ये हमारे साथ है, अगर मैं इनके साथ नहीं हूँ फिर भी आई एम स्टिल इन्वॉल्व इन द सीन, सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड इंडिविजुअली इफ़ यू सी एनी कैरेक्टर विल टेल यू योर ओन स्टोरी, क्योंकि आप चाहते हो, आपकी चाहत कुछ और होती है, आपको मिलता कुछ और होता है और आप पाना कुछ और चाहते हो, सो स्ट्रगल बिटवीन ऑल दीज थ्री थिंग्स, मोह माया और पाया में बहुत फ़र्क होता है, वो आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा।
जब भी देखोगे आप, जब भी देखते हो कोई भी शो देख लो, कुछ भी देख लो, सो हर कैरेक्टर की अपनी जर्नी तो रहती है यार, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा. बट एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें वुमेन आर मोर यू नो देयर शो द मोर एम्पावर्ड. So it's nice, you know, these days at least something has been done. क्योंकि आज तक आप देखते रहोगे फिल्म्स में, मोस्टली फिर सिर्फ फिल्म तो सलमान की फिल्म है, लाइक यू नो द गर्ल इज जस्ट देयर टू फिल द स्क्रीन. नाउ आजकल लेकिन कंगना रनौत एंड एज शी सेड नवाजुद्दीन के साथ दैट गर्ल सुरिन, यू नो सुरिन चावला, सो दीज वुमेन आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब यार, बहुत सही काम कर रही है. एंड मोर पावर टू वुमेन यार, हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कुछ कुछ. हमारा आशीर्वाद है हमारे साथ, आशीर्वाद है मोहित विवेक को. ओके रश्मि मैम, आल्सो कांग्रेचुलेशंस आपके न्यू जो सॉन्ग जो टीजर है उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. सो कितना हैप्पी फील कर रहे हो, कैसा रिस्पांस आ रहा है सिर्फ टीजर को? इतना अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा लग रहा है. मैं नर्वस भी हूं क्योंकि अभी लॉन्च होगा, तो आप डेफिनेटली देखकर बताइएगा आपको कैसा लगा, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर ठीक है. ओके लास्ट, आई एम श्योर यू ऑल विल आल्सो लाइक इट, मेक रील्स, मे फॉरवर्ड इट एंड सुनो हर जगह. हम आपको यही देना चाहेंगे कि हमारे ये डेफिनेटली नए नए प्रोजेक्ट है, इट्स पार्ट ऑफ ओटीटी, डेफिनेटली यू हैव टू सर्च अस. बट आपको ये जब देखेंगे रात्रि की यात्री, आपको बहुत अच्छा लगेगा. नॉट ओनली दिस स्टोरी, नॉट ओनली रूबी पायल एंड विवेक, बट देर आर अदर स्टोरीज एंड आई एम श्योर यू ऑल विल लाइक इट. सो डोंट फॉरगेट, हंगामा पे हम हंगामा करने आ रहे हैं. Okay, thank you, pleasure to all of you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ma'am, last thing, one idea.